मैं मदन हर्षवर्धी बोधगया। मुझे भी वो वायरल वीडियो मिला है जिसमें जो हमारे पूर्व मित्र थे आर्यना गत्तदर्शी जो चिवर में थे और कुछ दिन बाद पता चला कि उन्होंने विधिवत चिवर उतारा गुरु से और कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी की। उसके शादी में भी हम थे लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुआ कि भाई ये भिक्खु संघ के वेश में चिवरधारी होकर फंसा रहा है, इस तरह से जो हेतु पुरस्कार संयंत्रण किया गया है। मैं चाहता हूँ कि वो उनका पति पति का मैटर है और पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी चैनल को या किसी भी न्यूज चैनल को इस तरह से संघ को लेकर बदनाम करना, वीडियो वायरल करना, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। संघ के लिए पहले संघ की तरफ कई लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है, कई लोग तरह तरह के अटकंडे लगाकर संघ को बदनाम कर रहे हैं और फिर इस तरह से बुद्धिस्ट होने के बाद और बुद्ध लोग बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं, भिक्खु संघ को बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं बुद्धगया में ही था उस वक्त, तो मुझे लगता है मैंने बातचीत भी की है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। पक्ष अपक्ष उन दोनों को बैठ के जो भी समस्या है वो निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन आज भिक्खु संघ को दाव पर लगाया जा रहा है। कौन भिक्षु उनके साथ है? जब वो आदमी चिवर उतार कर शादी किया तो भिक्खु संघ का कोई मतलब ही नहीं उनको, वो ग्रस्त है और भिक्खु संघ और उपासक ग्रस्त का साथ रहता है। कई बुद्ध शासन में कई लोगों ने चिवर लिया, कई लोगों ने चिवर उतारा है, ये आज का ही नहीं है, भगवान बुद्ध के काल से परंपरा चलती आ रही है। कई लोगों ने अपने शांति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए चिवर लिया, कुछ दिन के बाद चिवर नहीं रखा और शादी किया, ऐसी परंपरा चलती आ रही। लेकिन भिक्खु संघ को दाव पर लगाना, भिक्खु संघ के चिवरधारी भेष में उन्होंने लोगों को फंसाया, लोगों को ठकाया, मुझे लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र है भिक्खु संघ को बदनाम करने का। मैं महाराष्ट्र के जितने भी भिक्खु हैं उनको भी निवेदन करने वाला हूं कि इस मामले में हम एक जगह बैठकर क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है इसका निराकरण करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के नागपुर जिले के जितने भी भिक्षु है उसको बैठ कर हम लोग एक मीटिंग करेंगे और उसका निराकरण करेंगे कि भाई भिक्खु संघ को बदनाम करने का प्रयास मत करो। अगर मान के चलो किसी धर्म के ऊपर तुम लाच लाते हो, बदनाम करते हो, तो धारा है, उस धारा के साथ एफआईआर हो जाएगी, तो आपको भी 6 महीने के लिए सजा मिल जाएगी। प्रावधान है संविधान में, सबको राइट्स है, किसी धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म को सच्चाई नहीं होते हुए आप बदनाम करोगे तो हाथ तो लगेगी। रही बात अमोल की, तो पहले वो बनते था, बाद में वो चिवर उतारा, उस चिवर उतारने के बाद कई भिक्षु को शादी में बुलाया, मैं भी शरीफ था उसके शादी में, और उनका पति पत्नी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर हर कर सकते हैं और अभी भी कोई वक्त नहीं गया, वो दोनों बैठ के इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है मैं उसका निश्चित करता हूँ, क्यों इसलिए निश्चित करता हूँ क्योंकि भिक्खु संघ को दाव पर लगा गया है, भिक्षु नहीं है वो, अमोल मेश्राम ग्रस्त हो गया, पहले भिक्षु था लेकिन उसके पूर्व क्या चिवर में फोटो दिखाकर भिक्खु संघ को बदनाम करने का प्रयास करना, ये कहां से उचित है? मुझे लगता है ये साजिश है, ये षड्यंत्र है और मुझे लगता है हेतु पुरस्कार भिक्खु संघ को बदनाम करने की साजिश है, हम उसका खंडन करते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर जिन लोगों ने किया है वो भिक्खु संघ को अगर माफी मांगते हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है, जहाँ शरण आता है, जहाँ पैर से बात होती है, बातों से सारा समस्या का हल हो सकता है। अगर वो बातचीत करके समस्या को हल कर सकते हैं तो इस बात को न बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह से कोई भी प्रूफ नहीं होने के बाद भिक्खु संघ को बदनाम ना करने की कोशिश ना करें। मैं बनते हर्षवर्धी महाराष्ट्र भिक्खु संघ को, महापुर भिक्खु संघ को निवेदन करता हूँ कि हम एक जगह बैठकर अगर इस वायरल वीडियो का खंडन करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो हम कानूनन एफआईआर करके उनके विरोध में भिक्खु संघ जाने का प्रयास करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो वायरल ना करें और सच्चाई सामने आ जाए,
अमूल मेश्राम और अमूल मेश्राम उनकी वाइफ, वो आपस में बैठकर उनको अधिकार है, उन्होंने विधिवत शादी किया, वो हमारा उसमें इंटरफेयर नहीं है, वो पति पत्नी का मैटर है, वो हल करेंगे। लेकिन इस तरह से चीवर की टोली है, चीवर में इन्होंने फंसा है, चीवर भिक्षुधारी है, इस तरह से एलिगेशन लगाना ये बहुत बड़ी बुरी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ, इस पर सोचे विचार करें, चिंतन करें, और कहीं भी ऐसे बातों को जो प्रचारित होते हैं उस पर विचार करके, सोच कर, समझ कर, चिंतन करके, सही क्या झूठ क्या ये लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अमोल शंकर मेश्राम पिछले 2 महीने पहले मुझ पर, मेरी जो वाइफ है और मीडिया के माध्यम से जो गलत एलिगेशन लगाए गए, मूलतः पिछले 20-22 साल से मैंने भिक्षु संघ का स्वीकार करते हुए चिवर परिधान करके मैंने भगवान बुद्ध के धर्म को समझने कर समझ के प्रचार प्रसार करने का काम किया। और लॉकडाउन में नागपुर में आकर पिछले 2020 में मैंने विधिवत चिवर छोड़ा। मेरे जो गुरु है पूज्य भदंत प्रियदर्शी महास्तवीय नागपुर, जिन्होंने मुझे चिवर दिया था और उन्हीं के हाथ से मैंने चिवर छोड़ा। और भगवान बुद्ध के बुद्ध शासन में जब एक व्यक्ति चिवर छोड़ता है तो उसके बाद वो ग्रस्त हो जाता है, उसका भिक्षु संघ से कोई संबंध नहीं रहता, एक भिक्षु और उपासक इतना ही उसका नाता रहता है। इसके बावजूद मेरे ऊपर जो गलत एलिगेशन लगाए गए, मेरी बदनामी की गई, मेरे ऊपर जो वीडियो बनाया गया और उस वीडियो में ये दिखाया गया कि मैं भिक्षु रहकर मैंने जो बुरे काम किए हैं और मुझे उस काम के लिए बदनाम किया गया है, इसमें जिन लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र किया है और मेरे माध्यम से भिक्षु संघ को बदनाम करने का काम किया, भिक्षु संघ जो भगवान बुद्ध ने निर्माण किया, जो आज भी है और कल भी रहेगा, और भिक्षु संघ केवल भारत में नहीं तो दुनिया के 150 राष्ट्रों में है, और जिन सभी भिक्षु संघ के ऊपर जिन्होंने जानबूझकर बदनाम करने का काम किया है, मैं भिक्षु संघ से हाथ जोड़ता हूं और विनती करता हूं कि भगवान बुद्ध का बुद्ध शासन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत हमें दिया है और भारतीय आईपीसी धारा के तहत ऐसे व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उनके ऊपर FIR किया जाता है, उसके लिए विशेष 2 कलमों का प्रावधान है। मैं विनती करता हूँ सभी भिक्षु संघ के सदस्यों से, जिस चिवर का सम्मान करते हुए आपने उस चिवर को रखा है और ऐसे कोई मानसिक रुग्ण लोग भगवान बुद्ध के बुद्ध शासन को बदनाम करने का अगर काम करते हैं बिना किसी एविडेंस के, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं ग्रस्त हूं, मैं भिक्षु नहीं हूं, और ग्रस्त रहकर मुझे भिक्षु दिखा के जो बदनाम करने का षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं, और उन लोगों के ऊपर IPC के 2 कलमों के द्वारा FIR किया जा सकता है और उस FIR के माध्यम से इनको कोर्ट पूछेगा, इनको भारत की बौद्ध और अंबेडकरी जनता पूछेंगी कि आपने जो हेतु परस्पर भगवान बुद्ध के बाबा साहब के इस मिशन को रोकने का जो काम किया है, आज हमारा भिक्षु संघ बहुत अच्छे से बुद्ध धर्म का प्रचार करता है और उसके बावजूद भिक्षु संघ को बदनाम करने का षड्यंत्र इस देश में कई सालों से चल रहा है, और उसी का ये एक भाग है कि कुछ मानसिक रुग्ण लोगों ने मीडिया के सहयोग से मीडिया को पैसे देकर यह न्यूज बनाई है, तो मैं उसका खंडन करता हूं। और मैं अमोल शंकर मेश्राम भिक्षु संघ से, मेरी वजह से भिक्षु संघ की जो बदनामी हुई है उसका, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, पर भिक्षु संघ को विनती भी करता हूं कि आप जिन लोगों ने यह वीडियो बनाया है और जिन लोगों के माध्यम से यह बना है, उन दोनों तीनों लोगों के ऊपर आप FIR करें। धन्यवाद।